Unites.com, redefining Bollywood. से हमने जितनी तैयारी करनी थी की है तो बस वी आर ऑल्सो एक्साइटेड कि फ्राइडे को रिलीज है। हम तो अभी लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं, यू नो, लोगों तक पहुंचाना ही इज द मेन थिंग। हालांकि ये तो कॉमेडी है, सटायर है, लेकिन शायद जैसे दिखाते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, ऐसा मीडिया के बारे में कभी नहीं दिखाया। वी स्ट्रांगली बिलीव कि जब चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है तो मीडिया ही मॉरल पुलिस बनती है सोसाइटी का, चीज़ों को सामने लाने का, एक बैलेंस लाने का। तो हमने अपने सटायर के थ्रू सटायर वी हैव ट्राई टू शो समथिंग। मीडिया से अनुभव यह है कि इफ दे आर योर फ्रेंड्स दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड व्हेन दे आर नॉट योर फ्रेंड्स देन यू हैव टू हाइड। कहानी एक्चुअली उन्हीं के थ्रू आई थी, वो राइटर से पहले मिले थे, उन्होंने कहानी पढ़ी और मुझे फ़ोन किया और कहा कि बॉडीगार्ड के बाद अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे तो ये करो, ये बहुत अच्छी कहानी है। हमने सब सुनी तो वी वर एक्साइटेड क्योंकि आज की ऑडियंस यंग है और एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ यंग कनेक्ट फिल्म। और जब हमको एक कॉमेडी मिली अच्छा लगा, और जब कॉमेडी एक सटायर थी, जब कॉमेडी सटायर, बिकॉज सटायर भी आई नहीं है, टॉपिकल है, जिन विषयों पे हम बात कर रहे हैं वो आई थिंक रोजमर्रा चर्चा में है, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, एवरीथिंग। तो इट्स अ वंडरफुल टाइम दैट दिस मूवी हैज़ कम। नहीं, हम तो ऐसा कोई दिखाई नहीं रहे जो नहीं हुआ है, जो भी हम दिखा रहे हैं वो सच्चाइयाँ हैं। हमारी फिल्म सटायर है, सटायर बनती ही इज़ इंस्पायर्ड ऑलवेज फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। हम किसी एक चीज़ को मुद्दा बना के नहीं चल रहे हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट what is happening as a whole, और क्या होना चाहिए। हम हमारी जैसे the moral is, you know, like गांधी जी's line that be the change you want to see in the world. सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्क्रीन तो आज हो रही है, हमारी फैमिली देख रही है, ये हमारे सबसे बड़े क्रिटिक हैं। यहाँ कितने स्टार मिलते देखते हैं। प्रीमियर का थोड़ा रिवाज निकलता था जा रहा है, क्योंकि आई थिंक ऐसे ही शोज हो जाते हैं तो प्रीमियर का नहीं होता। Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.